लास्ट हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। आज हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसको डिजाइन किया गया है किसी खास वर्क को, किसी खास वर्क काम को पूरा करने के लिए। इट एक्ट्स एज ए टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। किसी खास टास्क को पूरा करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वर्क को आसान बना देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वर्ड, डेटाबेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर। ये सारे एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। द चीफ पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। MS Word, Notepad, WordPad and some other text editors are some of the instances of word processing software. Word processing software एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ लिख राइटिंग लिख सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये सारे वर्क वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप लोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस, ए कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस। डेटा का जो कलेक्शन होता है, इन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन इज कॉल्ड अ डेटाबेस। द पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा। द एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज that we can change the way data is stored and displayed. Database, it stores our data in a organized way. In a database, we can store data in the form of table, where data are organized in ascending or descending orders. We can easily retrieve data from database. Some examples of database software are Microsoft Access, Oracle, DB, DBase. ये सारे examples हैं database software का। Next software is multimedia software. The example of multimedia software are media players and real players. This software lets the user create audio and video. The various forms of multimedia software are players, audio converters, burners, video decoders and encoders. Multimedia software एक ऐसा software है जिसमें आप ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डेड है उसको प्ले कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, इनकोडेड, कोडेड फॉर्मेट में। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की मदद से ऑडियो को आप प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, उसको कोड
एंड इनकोड कर सकते हैं। जैसे हमारा पॉपुलर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स है मीडिया प्लेयर एंड रियल प्लेयर, ये एग्जांपल्स हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर। वी यूज द ग्राफिक सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड एडिट इमेज। ग्राफिक सॉफ्टवेयर की मदद से आप ग्राफिक्स पिक्चर को इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, नया पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, डायग्राम ला सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर फोटोशॉप, पेंट, फोटो एडिटर। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से आप फोटो बना सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के कलर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी परफॉर्म कैलकुलेशंस। दे सिमुलेट पेपर वर्कशीट्स बाय डिस्प्लेइंग मल्टीपल सेल्स दैट मेक अप अ ग्रिड। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं और उस रिकॉर्ड पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज लोटस 1-2-3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एप्पल नंबर्स। ये सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। हम लोग जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड सो इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड शो देख सकते हैं, उस पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स और डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटीज। वी फाइंड द यूटिलिटीज प्रोग्राम्स टू बी ए स्मॉल। इस टाइप हैज अ स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म। फॉलोइंग आर सम डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज एक स्पेशल टाइप्स का प्रोग्राम्स है जो स्मॉल इन साइज होता है और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। जैसे एंटीवायरस एप्लीकेशन provide protection to our computer from the damage that can be caused by virus and similar program. जो utilities program है हमारा antivirus software जो हमारे computer को protect कर सकता है, protect करता है basically damage से और virus infection से, जो आपके computer को virus infection से बचाता है। जो most popular एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं क्विक हिल, नॉर्टन एंटीवायरस, एविरा, ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से और अनऑथराइज यूजर्स। नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन यूटिलिटीज। हेल्प टू मेक फाइल्स स्मॉलर फॉर स्टोरेज। सेंडिंग ओवर द इंटरनेट and then return them to normal size. Examples of WinRAR and WinZip. Compression utility एक ऐसा software utilities है जो हमारे file के size को decrease कर देता, compress करके size को छोटा बना देता, but हमारा content actual same size होता है,
इसका यूज जनरली हम लोग लार्ज फाइल जब एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप भेजते हैं या इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो इसका यूज किया जाता है फॉर कंप्रेशन, कंप्रेस करने के लिए लार्ज साइज फाइल। एग्जांपल्स ऑफ कंप्रेशन यूटिलिटीज इज विनरार एंड विनजिप। नेक्स्ट यूटिलिटीज इज डैमेज्ड एंड एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स आर रिकवर्ड बाय डेटा रिकवरी यूटिलिटीज। नेक्स्ट यूटिलिटीज इज डेटा रिकवरी यूटिलिटीज। ये क्या करता है, अगर आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को गलती से डिलीट कर दिए हैं या अचानक से डिलीट हो गया तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं इस यूटिलिटीज की मदद से। और जो पॉपुलर यूटिलिटीज प्रोग्राम है प्रो डेटा डॉक्टर, ये क्या करता है हमारे इम्पोर्टेंट फाइल्स को सुरक्षित रखता है। अगर गलती से आपने डिलीट कर दिया तो इसकी मदद से आप फिर से रिटर्न ला सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लेट्स अस रिमाइंड। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कैसे टास्क को परफॉर्म करना, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं हम लोग, और प्रोग्राम है भी बेसिकली। सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज ए सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर डिवाइसेज को कंट्रोल करे उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज यूनिक्स एंड मैक ओएस आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज, जो हम लोग अभी विंडोज 8 और 10 यूज कर रहे हैं, यूनिक्स एंड मैक ओएस, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको डिजाइन किया गया किसी खास वर्क को पूरा करने के, किसी खास काम को। इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। ये किसी खास काम को आसानी से पूरा कर देता है, इसी के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर गिवेन, ऑल हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चंस गिवेन इन दिस चैप्टर। थैंक यू।